दोस्तों, मैं अगले दिन आ गया हूँ यासिर के घर पर और अभी गेट बजाता हूँ। मैसेज तो उसे मैंने कर दिया था। गेट गेट खोल, लॉक लगा हुआ है। ये तो तैयारी कर रहा है, ये देख ले। दोस्तों, ये वीडियो में हमारे असलम भाई आ गए हैं और इंशाल्लाह आपको उन करीब दिखाएंगे। किराए पे घर ले रहे हैं स्पेशल परिंदों के लिए और परिंदे इसमें फुल सेटअप चलेगा। दो घर मकान लेने के लिए रहने के लिए लेते हैं और ये भाई हमारे किराए पे स्पेशल ले रहे हैं। दो तीन कमरों का घर देख रहे हैं कि दो मरले या तीन मरले का घर हो जाए, उसमें प्रॉपर परिंदे ही परिंदा। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी। और राव मकाओ का घाटू का ख्याल देख रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं। इनके कोई खुफिया जराए से रिपोर्ट मिली है कि बड़े बड़े फार्मरों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। तो ये देखें, कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखा दूं फोकस में, स्क्रू देखें इस तरह से लगे हुए हैं। और ये जिस तरह भी यासिर वहाँ पे फिक्स कर रहा है, ये इस तरह से लगे हैं। और इसकी इस तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ से भी देखें दिख रहे हैं। मैं फोकस में ले लेता हूँ, ये देखें स्क्रू इस तरह से आगे पीछे आए होते हैं, यहाँ से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर कटक और आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों, हमारी तरफ से तमाम लोगों को दिल की ताक रहा, जैसे रमजान मुबारक हो और आप लोगों से दरख्वास्त की जाती है हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करें ताकि हम आपके लिए रोज बरोज नई नई वीडियो लाते रहें और आपकी खिदमत में हमेशा यूं ही गमजन रहे। तो दोस्तों, कई दो तीन भाइयों के मैंने कमेंट पढ़े कि यार यासिर भाई आप वीडियो में नहीं आते, तो उनके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनानी थी। मैंने कहा अपने सेटअप पर आऊंगा तो मैं दोबारा अपने सेटअप पे वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि मुश्ताक भाई के साथ अब मैंने थोड़ा मुकाबले में आना है और अपने बर्ड्स भी बढ़ाने। और इंशाल्लाह जब मुकाबले में इंसान आता है तो फिर पता चलता है कि यार किसी क्या वर्थ है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, मुश्ताक भाई हमारे उस्ताद हैं। तो दोस्तों, मेरा जो सेटअप था बहुत बेढंगा सा था, मतलब एक केज ऊपर लगा, उसके बाद उसको एक्चुअल साइज नहीं है, कोई छोटा केज है उसके नीचे लगा। और उसके बाद आपने वीडियो में भी देखा होगा, मतलब तरतीब उसकी बिल्कुल आउट हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब जब काम करना ही है तो बेहतरीन तरीके से कर ले। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं छत पे अपना एक बहुत बड़ा सेटअप बनाऊंगा, लेकिन वो कुछ मसले आपको मुश्ताक भाई ने शुरू में बता दिए थे, क्योंकि घरेलू मसले होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह वक्त फवक्त ना होगा, जब नजर आता है तो फिर बोलता भी है इंसान। तो फिर हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया कि हम टावर नुमा एक केज खरीदेंगे। तो वो केज हम जो है आज खरीदारी करके आ चुके हैं और उसकी क्लिप भी आपको आगे दिखेंगे। अभी हम अफतारी के बाद है, अफतारी के बाद मैं यहाँ आया हूँ यासिर के पास, केज यहीं पे है क्योंकि इसी के सेटअप पे लगाना है। और अब जो है हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका दिखाएंगे और रेट वगैरह ये बता देगा। मैं रोजे में था, मेरा तो दिमाग उड़ गया कितना था लेन देन यही कर रहा। चले छोड़े, अब हम ज्यादा आपको दिमाग नहीं खाएंगे, हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं और काम दिखाते हैं आपको। तो व्यूवर्स, ये देखें, ये यहाँ पे खोल दिया है, अलग अलग कर दिया है। एक टूल्स जो है वो, वैसे तो टूल्स देखें, एक ये नोस प्लास होता है, ये प्लास की शक्ल का होता है पतला सा, और इसमें यहाँ कटर भी होता है, ये जो है ऊपर से बारीक होता है। वैसे तो ये इसका काम सबसे ज़्यादा है और ये स्क्रू का थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें, ये दो पिलर टावर को जो है कनेक्ट करने में काम आएंगे।
तो दोस्तों ये आप दिखाता हूँ मैं आपको कि आप जब ये नया केज लें तो आपने एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि इन्होंने कंपनी वालों ने 2-3 नके इसमें ऑटोमेटिकली फिक्स करके रखे हुए होते हैं ताकि इनका केज आपस में यूं खुले ना, इसलिए कि बैन रहे और इसकी तारे ना टूटे और कम से कम चांस हो कि एक पिंजरे को कोई नुकसान पहुंचे। तो आपने नक्कों को देख लेना, ये नक्का एक दूसरे में फंसा हुआ होता है, सारे नक्के नहीं फंसे होते, एक दो ही फंसे हुए होते हैं बिजली, लेकिन आपने बड़े एहतियात से चारों तरफ से देख कर इनको खोलना होता है। तो दोस्तों इसमें हमने खोल लिया और आपको दिखाते हैं आगे इसका, इसको कहते हैं हम, इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि इसका ग्राउंड फ्लोर हम अब तैयार करने जा रहे हैं। ये देखिए आपको टक टक की आवाज आ रही है, आपने बड़े एहतियात से खोलना है, मेरा तो दिल पैसे लगे हुए हैं, दिल तो मेरा यूं यूं हो रहा है यार टूट ही ना जाएगी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, उस्ताद साथ हैं इसलिए बाकी आप दुआ करते रहें। ये वाली जो ग्रिल होंगी ये छत और नीचे सरफेस पे इस्तेमाल होंगी और ये सिमिलर साइज की होती है तो कोई इसमें नहीं होता फर्क, इसमें ढूंढना नहीं कोई निशानी, जो मर्जी ऊपर लगा दें जो मर्जी नीचे लगा दें, लेकिन सबसे पहले आपने लगानी नीचे, आपको चार मिलेंगी सिमिलर होंगी, आपने नीचे से शुरू करना है। पहले इसकी हम जो है ना फर्श, जो जिसको फर्श कहते हैं ना जमीन, पहले वो इंस्टॉल करते हैं यानी फिक्स करते हैं इस हुक की मदद से। दोस्तों हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया है कंप्लीट और इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसमें आपने देखा कि हमने हाथों से ही कर दिया, ये बड़े सॉफ्ट से होते हैं मतलब पोलाइटली बिल्कुल मुड़ जाते हैं, लेकिन इसको बार बार यूं यूं करना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही दफा एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करने के बाद जब आप मुतमईन हो कि सारी देखें इसकी लाइनों को पकड़े, अगर एक जो ग्रिप है वो एक लाइन छोड़ के दूसरी पे किए तो इस तरफ वाली भी दूसरी करें, इस तरह से जब काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा और सारी साइडें बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स बैठेंगी। तो ये हमने जो है ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो पहली माला होती है जो नीचे का घर होता है वो हमने तैयार कर लिया, बाकी सारे जो आएंगे वो इसके ऊपर ऊपर आते रहेंगे और यहाँ पे ये जो बोल्ट दिखे हुए ये हम खोलेंगे और वो जो ग्रिपर आपको दिखाया था यासिर ने वो यहाँ लगते रहेंगे, पिलर नुमा ऐसे इसको सपोर्ट देगा तो इसके ऊपर वाली जो मंजिल होगी वो नीचे वाले के साथ उस तरह कनेक्ट हो जाएगी जैसे पिछली वीडियो में हमने दिखाया है जब मैं अपने केजेस लाया था। तो अब हम जो है इसके स्क्रू को खोल के इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि इसके स्क्रू अगर मिस हो गए तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है और फिर पिंजरा जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी मतलब हिलजुल होता रहेगा, तो इसलिए पहले हम ये काम कर लेते हैं। और ये भी तकरीबन देखिए हाथ से ही हो रहे हैं तो बहुत ईजी है, इसको फिक्स करना बहुत आसान है, फिक्स करना भी आसान है, रखना भी आसान है, खरीदना भी आसान है क्योंकि इतना कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा ये जो है पहले बताने वाली बात थी लेकिन अच्छा वो याद आ गया, हम आगे भी बता देंगे अभी भी बता देंगे क्योंकि कुछ लोग पूरी वीडियो देखते हैं, कुछ आधी देखते हैं, कुछ हाफ देखते हैं, स्टार्ट से ही भाग जाते हैं। बहरहाल ये हमें 7,000 का पूरा पिंजरा मिला है। अब 7,000 में आप ये नहीं सोचेंगे कि 7,000 में कोई भी पिंजरा देखें, नहीं, 7,000 में इसके साइज मैटर करते हैं, इसका जो साइज है जो यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी चौड़ाई के लिए जब मैं हाथ खोलूंगा तो ये 2 फिट है, 2 फिट ये ऐसा है, लेकिन इसमें पोर्शन नहीं है। आप किसी शॉपकीपर से ये मत लड़ जाना कि इसके बीच में पार्टीशन है, इसके बीच में पार्टीशन नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। ये बगैर पार्टीशन का है, 2x1.5 का इसका साइज है और इसमें हम 3-4 जोड़े जो भी है यासिर की तो इसका तो बस चलेगा। मैं आपको बताता हूँ भाई, मुश्ताक भाई की बातों में नहीं आना, मुश्ताक भाई अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें रखेंगे तो 2 पेयर इसमें रखेंगे और मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि मैंने तो भाई पहले भी इसमें 4 रखे और माशाल्लाह ब्रीड आई और टन 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 ब्रीड आई है, तो इसलिए ना घबराना नहीं है और 4 के 4 पेयर डाले भाई इसके इसके परिंदों में ब्रीड इसलिए आ रही है क्योंकि ये डेली ना 5-6 दफा उनको देखता है और ये चप्पल लेके जाता है हाथ में और परिंदों को चप्पल दिखाता है तो भाई वो डर के मारे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो फिर बच्चे ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो कहता है फूल वसूलना है। तो इसमें मेरे ख्याल है मैं तो इसको कह रहा हूँ कि 2-3 ही पेयर डाल ले, अब देखूंगा जब मैं आऊंगा तो पता नहीं चार कोने ज्यादा। तो दोस्तों ये वीडियो में हमारे असलम भाई आ गए हैं और इंशाल्लाह आपको उन करीब दिखाएंगे, ये किराए पे घर ले रहे हैं स्पेशल परिंदों के लिए और परिंदे इसमें फुल सेटअप चलेगा, लोग घर मकान लेने के लिए रहने के लिए लेते हैं और ये भाई हमारे किराए पे स्पेशल ले रहे हैं, 2-3 कमरों का घर देख रहे हैं कि 2 मरले या 3 मरले का घर हो जो इसमें प्रॉपर परिंदे ही परिंदा डाल, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी और राव मकाओ का घाटों का ख्याल देख रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं, इनके कोई खुफिया जराये से रिपोर्ट मिली है कि बड़े बड़े फार्मरों के साथ डिस्कस कर रही है
और ये एकदम जो है ना 5-10 मरले का प्लॉट व्लॉट लेके और कहेंगे कि आ जाओ काटो मकाओ देख लो हमारे वहां। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है हम बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये देखें एक दूसरे से लिंकअप नहीं है, अब जो मरहला है वो इन दोनों को लिंकअप करने का है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अब हम लिंकअप करेंगे। वो जो स्क्रू दिखाए थे और वो जो लीवर टाइप के थे जो इन दोनों को कनेक्शन का काम करेंगे, उनके साथ ये कनेक्ट करेंगे। इसमें स्क्रू की जगह ऑलरेडी होती है जहाँ से हमने स्क्रू खोले, तो अब ये जब बन जाएगा तो इसकी पूरी शक्ल भी आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स ये देखें ये पिंजरा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी हम ट्रे में लगा देंगे। एक स्क्रू है जो तंग कर रहा है यासिर को, कभी जेब में घूम हो जाता है कभी लगता नहीं है, तो ये आखिरी जो है फाइनल इसकी टचिंग रह गई है। ये थोड़ा सा इसमें गैप है क्योंकि ये गैप ख़त्म होगा तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इसमें हिलजुल बंद हो जाएगी। अब माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। तो ये देखें कंप्लीट हो गया, मैं आपको दिखा दूं फोकस में स्क्रू देखें इस तरह से लगे हुए हैं, और ये जिस तरह भी यासिर वहाँ पे फिक्स कर रहा है ये इस तरह से लगे हैं, और इसके इस तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ से भी देखें दिख रहे हैं। मैं फोकस में ले लेता हूँ, ये देखें स्क्रू इस तरह से आगे पीछे आए होते हैं, यहाँ से निकल गए, सही है। ये इस तरह से हर एक में फिक्स आपको दिखेगा, और ये अभी ट्रे जो है लगा रहे हैं ताकि इसका असल लुक जो है ना पिंजरे का आ जाए। ये हो गया, पूरी ट्रे लग गई है और यासिर बहुत खुश है क्योंकि अब यासिर को लग रहा है कि ये थोड़ा प्रोफेशनल ब्रीडर बनने जा रहा है, तो इसकी खुशी का जो मेरा मेहमान भी आएगा ना मेरी गैलरी की तरफ देखेगा तो कहेगा कि यार चलो छोटिया बंदे ने रखा था तो सारी खिचड़ी बनी हुई थी। क्योंकि इसके मेहमान जब आते थे तो विजिट करते थे ना, जैसे हर एक का बर्ड लवर के घर में जब मेहमान आता है तो विजिट करता है उसके सेटअप का, तो यासिर के सेटअप पर जो है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल एक लुक था क्योंकि केजिस के साइज़ छोटे बड़े थे। अब ये प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, बेसिकली उस गैलरी में जगह ही तकरीबन 2.5 फीट की है, इसीलिए 2 फीट का ये केज है और ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। बस रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, यासिर ने टोपी पहन के पिंजरा ख़रीदा है और फिट किया है, तो इस दुआओं के साथ के कामयाबी हो, ब्रीड ही ब्रीड हो। कुछ लवाजमात बाकी हैं मुश्ताक भाई, ये भी ज़रा इनको ये जो पोर्ट, ये पोर्ट वगैरह जो है ये इसके साथ ही थे, और इस पर भी ये दिखाएं यहाँ पे, इस पर ज़रार मैंने एक जगह पे लिखा देखा था, तो ज़रार वाले जो हैं अपनी हर चीज़ पे स्टैम्प ज़रूर लगाते हैं। ये देखें आपको ज़रार लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से, और केजिस के टॉप पे भी ज़रार ही होता है। तो ये पॉट्स हैं, अब ये पॉट्स लगा दिए जाएंगे ऊपर नीचे जहाँ जहाँ इसके ये खांचे बने हुए। ये अच्छा हो गया दोस्तों, अगर अब आगे गर्मी मजीद बढ़ती जाएगी तो अगर परिंदों को हमने शावर कराना हो तो इसमें एक में आराम से सुकून से पानी डाला और शावर स्टार्ट। एक में जो है एक में दाना डालो, एक में ग्रीन फूड के लिए और शावर के लिए रख लो, एक पीने के लिए रख लो, तीन पॉट है, तीनों को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। नहीं भाई हम 4 पेयर रखेंगे तो दाना कम पड़ जाएगा, हम दाना डालेंगे। ये तो भाई ये चार बोल रहा है, मुझे लग रहा है 8 ही घुसेड़ देगा इसमें। आपको मजे की एक और बात बता दूं, ये बाहरी साइड में फ्रंट पे खाना इधर भी एक मैं बॉक्स लगा लूं 5-5 पेयर। ये जो है ना पिंजरा जब जोड़ रहे थे, ये जब पिंजरा फिट कर रहे थे तो ये दिख गया कि जो आपको दिख रहा है नेस्ट बॉक्स का रिंग, ये देखें ये जब दिखा तो यासिर ने बोला ओहो पहले तो मैं 4 पेयर की सोच रहा था, 5 पेयर लगाऊंगा, एक बॉक्स बाहर से ही लगा दूंगा। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा अब कौन रोकेगा इसको, अब तो ये एक बॉक्स लगाएगा, और इसको झांकने की इतनी आदत है तो बॉक्स में तो ये अपने कैमरा ही रख के छोड़ देगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये फिक्स हो गया, इसके बाद जो है अब इसको वहाँ लगा के दिखाएंगे जिस जगह पे ये फिक्स होगा। अभी रात का टाइम है तो दिन का एक के लिए पटेज करेंगे, इसके साथ अभी तक इतना ही था आप लोगों को दिखाया। दोस्तों मैं अगले दिन आ गया हूँ यासिर के घर पर, और अभी गेट बजाता हूँ, मैसेज तो उसे मैंने कर दिया था। गेट गेट खोल, लॉक लगा हुआ है। ये तो तैयारी कर रहा है, ये देख लो। तो ये जो है ये रखे, देखें ये इधर लगा दिया है, खड़ा कर दिया। अब आप देखें इसके फ़ायदे देखें, ये वाली साइड देखें, ठीक है ये इतनी ज़्यादा नहीं है, 2.5 फीट है तकरीबन, 2.5 फीट का स्पेस था ऐसे करके चौड़ा लेफ्ट एंड राइट।
अब वो वाले पिंजरे अगर पहले उसे मैं दिखाऊं, वो पिंजरे देखें कि बेढंगे से लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर अलग है, उसके नीचे अलग है, ये देखें वो अलग लगा हुआ, ये अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, गैप आ रहा है, मतलब व्यू अच्छा नहीं आता यहाँ पे देखने से। कोई अगर इंटरोगेट से और सीधे हाथ की तरफ देखे ना इस तरफ, तो वो मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन अब ये वाले केजेस को आप दूर से देखेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। अगर इस तरह के केज तीन से चार ऐसे ही, एक दो तीन ऐसे, ये देखें दीवार ये भी खाली है ना, ये पूरा स्पेस है ऐसे ना। अच्छा, हमने सोचा था कि वो जो पिंजरे हैं पीछे वाले, उनके पेयर्स को हम यहाँ पर लगा देंगे। देखें मटकियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन जब वो यासिर ने चेक किया तो पीछे जो है वो अंडे काफ़ी ज़्यादा तादाद में दे दिए थे। अब अगर थोड़े बहुत दिए होते तो भी मसला नहीं था। अब देखें आप नेस्टिंगें वगैरह दिख रही हैं, वो देखें, अगर थोड़े बहुत अंडे दिए होते तो फिर भी बंदा कुर्बानी दे देता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अंडे, यासिर ने बोला बहुत ज़्यादा अंडे, तो मैंने कहा यासिर पता है क्या करते हैं कि जो पट्ठे हैं ना, उधर से जो पट्ठे आए उन पट्ठों को यहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और वैसे ही जून में उनको रेस्ट देना है, तो जून तक उनका जो है एक क्लच पूरा हो जाएगा। जब ब्रीड आ जाएगी, उनके बच्चे भी आएंगे, उनको रेस्ट पे देंगे, मटकियाँ वहाँ से भी उतार देंगे, और सारे पट्ठे मेल वेल जितने भी हैं, जो जिस तरह जो पेयर लगाना है वो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे। ये इस तरह के पोशन है, और वही किया यासिर ने, देखें नीचे वाले में चार मटकियाँ लगाई हैं, ये देखें दो वो रही और दो ये रही। यहाँ से साइड लुक भी देख लें, ये देखें, तो इसने जो है चार ही लगा दिए, क्योंकि ये तो कहता है कि खींच के रखो। ऊपर वाले में तीन लगाई हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में मटकी नहीं थी या इसको टाइम नहीं मिला, अभी ये लगाए गए। देखें दातरियाँ वातरियाँ देख लें, ये घादा घास वगैरह ये काट वाट के लाता है, ये देखें ये गदा घास डाली हुई है इनको। तो इस तरह से जब वहाँ से ब्रीड आ जाएगी, वहाँ की ब्रीड उतारेंगे, और ये वाले केजेस हैं, हो सकता है ये वाले केजेस और लेकर आए, तो यहाँ पर फिर इन्हीं केजेस का ऐसे सीक्वेंस लग जाएगा, ऐसे मतलब एक दो तीन चार, चार से पांच केजेस यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी जगह पर बहुत बेहतरीन सा सेटअप बन जाएगा। हम यहाँ कॉलोनी का इरादा रख रहे थे, लेकिन कॉलोनी में क्या था कि बहुत लंबी ऊंची हो जाती तो बर्ड को फ्लाई करने में मुश्किल होती, और फिर बरसात वगैरह जो है ना वहाँ से आती। तो फिर यहाँ पर ये डिसीजन लिया है, यहाँ पर ये केज सिस्टम पर ही लगाएंगे, और ये हो जाएगी यासिर की अपनी नगरी, और ये इस नगरी का हो जाएगा बादशाह। तो इसका सेटअप जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे करके अपनी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और माशाल्लाह बड़ी रौनक आ गई है। बेरौनक सी जगह थी, यहाँ पर कबाड़ पड़ा रहता था, और अब इसमें जान आ गई है, रंग आ गए, आवाज़ें आ गई है, गाना बजाना गुनगुनाहट चल रही होती है यहाँ पे परिंदों की, एक एंगेजमेंट लगी रहती है, यासिर की भी एक्टिविटी बनी रहती है। इसमें तो इतना गुंजल बन जाता है, और फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है परिंदों के लिए, क्योंकि इनके लिए जब ये खींचते हैं कॉलोनी सेटअप में, तो ये एक ताना जब पकड़ते हैं इनके लिए फ्लाई के लिए काफ़ी जगह होती है ऊपर तक, जिससे वो जो रस्से इसमें जो जिसे कहते हैं नेस्टिंग मटेरियल सिंगल पीस जो होता है वो उठा के वो इजीली गुंजल से खोल के ऊपर तक चला जाता है, और वो जब दोबारा भी गिरता है तो इजीली उठा के मटकी में ले जाते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि जब ये गुंजल उठाएंगे तो इनके पास ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं है कि ये उठ सके, और दूसरा इनके लिए बेहतर यही है कि भाव तो आप बताएंगे कि इसको काटना है या क्या करना है। अभी अभी देखें मसला ये है कि ये होती है लंबी, डेढ़ दो फीट होती है, ठीक है, अगर ये टूटे नहीं और पूरा आ जाए तो देखें ये कितना लंबा होगा। अभी आप देखें, अब ये देखें, ये एक पीस मैंने अंदाजे से निकाला, अब इसकी लेंथ देख लें नीचे से ऊपर तक, ये पूरा लंबा है, और अगर इसको हम खींचेंगे तो ये यूं पूरा आ जाएगा, यानी कि इस केज जितना ये लंबा होता है इससे बड़े बड़े, ये तो एक नॉर्मल सा पीस निकला है। गदा घास में डेढ़ दो फीट होते हैं तो इस तक टच होते हैं। अब परिंदा जब इन घासों से चोंच से इनमें खींचता है तो खींच के वो छः इंच सात इंच जो चोंच से निकाल लेता है, उसके बाद वो उड़ के निकालता है, यानी उड़ के ना प्रेशर देता है, जोर लगाता है। अब जब वो उड़ता है तो उसकी फ्लाई का स्पेस ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो गदा घास की जो लंबी ये स्टिक होती है वो निकाल नहीं पाता उस गुच्छे से, उस गुच्छे में जकड़ी रहती है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है। तो अभी हम क्या प्रोसेस करेंगे, और आपको भी बताए थे कि जो लंबी लच्छियाँ होंगी इनको छः छः इंच जो है ना कैंची से काटें, काट के छः इंच सात इंच के रख दें ज़्यादा तादाद में साइड में, वो ये एक उठाते रहेंगे और ले जाते रहेंगे, उठाते रहेंगे ले जाते रहेंगे, फिर रह जाएगी थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर, उसमें आप ये लंबी लंबी अलग अलग करके रख दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पिंजरे से ना ऐसे यूँ लटका दें, यहीं से लटका दें, उससे ईजी क्या होगा, ये आराम से खींचेंगी, वो गुंजल में नहीं होगा, उलझे हुए नहीं होंगे, सिंपल पड़े हुए होंगे, तो वो आराम से उठाएंगी। लंबी वाली इसलिए दरकार होती है कि कहीं पे पिरोना होता है, टांका मांका लगाना होता है, गिठाने बांधनी होती है लोगों को, तो ये बेस्ट इंजीनियर है ये करते रहते हैं। तो अभी हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि इसके छः छः सात सात इंच काट देंगे, लंबी लच्छियाँ को छोड़ देंगे, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि उनका जो है वहाँ पर अंडे काफ़ी आ गए, तो अब वो जो पीछे जो है उनको जो है जून में जब रेस्ट देंगे तभी यहाँ पर लाएंगे, और इस दौरान जो है
जैसा होता रहेगा बजट के हिसाब से, तो यहाँ केजेस लगते रहेंगे और अगले सीजन की इंशाल्लाह तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।